हे बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका पोकेमॉन लास्ट फायर रेड के एक और एपिसोड में। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो लास्ट एपिसोड आपने देखा कि हमने रॉक टनल को क्लियर किया एंड हम पहुंचे लेवेंडर टाउन। तो होप आपने वो एपिसोड देखा होगा, बट नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। तो आज हमें पहले तो लेवेंडर टाउन को एक्सप्लोर करना है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इसको एक्सप्लोर करते हैं। दैट्स ऑड, मिस्टर फूजी इजंट हियर, वेयर डिड ही गो? दिस इज really Mr. Fuji's house. He's really kind. He looks after abandoned and orphan Pokemon. Oh, that's really nice of him. It's so warm. Pokemon are so nice to hug. हाँ, that's अच्छा है तुम्हारे लिए यार, Pokemon universe के लिए। हाँ, हमारे पास भी कोई ऐसा चीज होना चाहिए ना। This town is known as the Pokemon side of grave side of Pokemon memorial. Services are held in Pokemon Tower. Okay. Yes. Okay. बस नो कहते तो कुछ और बोलती हो, बट ठीक है। हेलो हेलो, आई एम नेम रीडर। नहीं यार, मेरे को अभी नेम रीडर के पास नहीं जाना है। डिड यू नो रेलिक सॉन्ग इज द सिग्नेचर मूव ऑफ मेलोवेटा? डू यू नो दिस? सो इट्स योर लकी डे। आई कैन टीच मेलोवेटा द सिग्नेचर। मेलोवेटा ही नहीं है मेरे पास। ओके, दोस हॉरिबल रॉकेट्स। दोस हॉरिबल रॉकेट्स, दे डिजर्व नो मर्सी। दैट पुअर क्यूबॉन्स मदर, इट वाज स्किल्ड ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम टीम रॉकेट। ओह शिट, चलिए तो टावर में चलते हैं सीधा। स्पिरिट्स आर टेरिफाइंग। स्पेल टैग, ओके, थैंक यू। पोकेमॉन टावर, निकनेम दो दो ऐसे गोस्ट टावर। आई केम टू प्रे फॉर माय डियरली डिपार्टेड क्लिफेरी। स्निफ, आई एम अवेयर इन टीयर्स। डिड यू कम टू पे रिस्पेक्ट? ब्लेस योर पोकेमॉन लविंग। ठीक है, चला जाए सीधा ऊपर, ज्यादा टाइम टाइम पास नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पे एक आइटम पड़ा हुआ है, चॉइस बैंड। ओके ओके, तो यहाँ ग्रे खड़ा हुआ है, ग्रीन सॉरी, मैंने इसका नाम, यार इसका नाम मैं भूल जाता हूँ। हे मनोज, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? इज योर पोकेमॉन डेड? हे, इट्स अलाइव। आई कैन एटलीस्ट मेक देम फेंट। लेट्स गो। ओके, तो बैटल विद ग्रे, ग्रीन, कॉर्विनाइट एंड टॉक्सिसिटी। और यहाँ पे मेरे को रिलाबूम को स्विच करना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है। लेट्स यूज ड्रम बीटिंग ऑन वे। हाँ, दिस गाय, नहीं इस पर अफेक्टिव नहीं है। स्विच किस पे करूँ? टॉक्सिसिटी किससे कमज़ोर होगी? मेरे को ये पता नहीं है। पॉइजन एंड पॉइजन टाइप लुकारियो पे अफेक्ट तो नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। लेट्स यूज फायर फैंग ऑन कॉर्विनाइट। इससे टॉक्स कॉर्विनाइट तो एक ही हमले में जाना चाहिए। ओके, थोड़ा सा बच गया। स्वैगर लुकारियो अवॉइडेड द अटैक, दैट्स ऑसम। और लेट्स यूज ऑरा स्पीयर ऑन दिस गाय एंड फ्लेम बर्स्ट ऑन। ओके, उसने वो कर दिया, ठीक है। सिंड्रेंस, ओके, हम लुकारियो कमज़ोर है सिंड्रेंस के खिलाफ बहुत ज़्यादा। और उसने सेकेंड पोकेमॉन चूज किया है हकामो, इसका तो नाम ही समझ नहीं आता है। ओके ओके, प्रिटी कूल डैमेज। एक और देते हैं और से, लेट्स यूज ड्रैगन रेज ऑन हकामो। पायरो बॉल, और यहाँ पे ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होगा। और ये हकामो का काम ख़त्म। ओके, प्रिटी कूल डैमेज।
फिर टॉक्सिसिटी एट एक और ऑरा स्पीयर और यहाँ पे फायर फैंग यूज करता हूँ। डैमेज तो अच्छा है, डिस्चार्ज से यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है तीनों के लिए। चारिज़ार्ड पे तो अफेक्टिव नहीं है क्योंकि चारिज़ार्ड ड्रैगन टाइप हो चुका है। ओके, एक और फ्लेम बर्स्ट विथड्रू। फिर ये क्या करना क्या चाह रहा है भाई ये स्लेंडरैन? मतलब इसने इस गेम में, इस बैटल में पता नहीं कितनी बार तो विड्रॉ किया है। चारिज़ार्ड ड्यूडल लेवल 47। फ्लेम थ्रोअर, ओके फ्लेम थ्रोअर सिखाते हैं हम फायर फैंग की जगह। लुकारियो 247 काम माइंड, ओके काम माइंड एक अच्छा मूव है तो रिवर्सल की जगह काम माइंड सिखा देते हैं। और यहाँ पे एग्जीक्यूटर अलोलन एग्जीक्यूटर भी ख़त्म। ग्रेनिंजा ग्रू टू लेवल 52 और इसके बाद अभी दो पोकेमॉन और हैं और दोनों ही कमज़ोर हालत में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इनसे, इनको हराने में और हमें जीतने में। ओके फ्लेम बस्ट और फ्लेम ऑरा स्पीयर, ये वाई 236 बड़ी अच्छी बात है। इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव बट टॉक्सिसिटी फेंट। ओके थैंक यू फॉर कमिंग ग्रीन, हाउस ऑफ पोकेडेक्स कमिंग, आई जस्ट गॉट अ क्यूबोन, आई कांट फाइंड द बिगर मैरोवेक, वेयर कुड दे बी, आई बेट देयर आरंट एनी लेफ्ट। Well, I better get going. I have got a lot to accomplish, unlike you. Smell you later. भाई कब तक? ओके रोज इनसेन ठीक है। एक और कुछ आइटम पड़ा था यार इस साइड, अच्छा वो तो हमने उठा लिया था। ठीक है ठीक है, लेट्स टॉक टू दिस। Even we could not identify the Wayward's ghost, a self scope might be able to unmask them. तो यार हम मैं सोच रहा था इस टावर को एक्सप्लोर करने की, बट अब लग रहा है कि इस टावर को एक्सप्लोर ना करके सीधा सेलाडोम सिटी चला जाए। सेलाडोम सिटी इसलिए क्योंकि हमारे पास अभी वो नहीं है, सेल्फ स्कोप नहीं है और सेल्फ स्कोप ही चाहिए हमें इस टावर को क्लियर करने के लिए। ओके ग्रेनिंजा गॉट बर्न्ड, तो मेरे हिसाब से तो हमें चलना चाहिए यहाँ से, सेलाडोम सिटी वुड बी बेटर। तो एस्केप रूम मिल चुकी है और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से चला जाता है, बेटर वही है मेरे हिसाब से। तो ऊपर जाके हमें सेल्फ स्कोप की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। गोस्ट तो चलिए सीधा सेलाडोम सिटी की तरफ निकलते हैं, वापस आने के समय हम फिर क्लियर कर देंगे इसको गोस्ट टावर को।
तो चलिए मैंने हील वगैरह भी कर लिया है, तो अब सीधा हम सेलेडॉन सिटी की तरफ निकलते हैं। और यहाँ मैसेज आया है मे का, मनोज वेयर आर यू, वी हैव अ प्रॉब्लम इन सेलेडॉन सिटी, ट्राई टू कम क्विकली। ओके देखें इसमें कौन सा पोकेमोन है। ओके यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो निकला जाए आराम से बिना कोई। अरे इतनी दूर देख लिया रे इसने तो। What's a cute, round and fluffy Pokemon? Cute भी, round भी, fluffy भी, Jigglypuff? शायद से तो Jigglypuff ही है। Okay, let's use drum beating on this guy and ये वन हिट है, दैट्स ऑसम। और चार्जर भी हमारा 48 पे हो चुका है, फ्लेम थ्रोअर भी वन हिट ही होनी चाहिए। ओके वन हिट ही है, दैट्स ऑसम। और रिला बूम टू लेवल 53, अजाल 49 पे हो गई है। और लेट्स स्विच सम पोकेमॉन्स। ओके अब सही है। ओके यहाँ पे एक पोकेबॉल पड़ा हुआ है, यू टर्न। ओके यहाँ पे मैं बैटल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बैटल करना अभी फिलहाल सही नहीं है, आराम से निकल लेते हैं अंडरग्राउंड पाथवे। शायद से हम सेलेडॉन अंडरग्राउंड से ही पहुँचेंगे या इस साइड से पहुँचेंगे, मेरे को याद नहीं है, बट देखते हैं क्या है। इस बैटल को कहते हैं स्किप जल्दी से। तो चलिए इसको हमने जल्दी से हरा दिया है, और लेट्स सी ये अंडरग्राउंड पाथ हमें कहाँ ले जाता है। द डिपार्टमेंट स्टोर इन सेलेडॉन हैज़ अ ग्रेट सेलेक्शन, डू यू गो देयर वेरी ऑप्शन? आई डोंट गो देयर, क्योंकि मैं अभी तक पहुँचा ही नहीं हूँ सेलेडॉन। तो How on guard duty, जी आई एम थर्स्टी दो। ओ वेट देयर, द रोड्स क्लोज्ड। ओके मेरे को लगा ही था। ओके अब देखें निकलते कहाँ से हैं। I heard a CP Pokemon appeared out near Celadon City 2. Binding Band, okay. Okay, यहाँ पे रिची खड़ा हुआ है। Oh, Manoj, I hadn't seen you for a while. So, you are on your way to Celadon City? I'm going there too. Have you captured any new Pokemon? Good, good. I haven't forgotten the last defeat against you, so it's time to show you my Pokemon's true power. अरे मैंने हीलिंग ही नहीं की है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन हैं। ओके तो इसके पास है शैलो और बटरफ्री। तो लेट्स स्विच टू ग्रेनिंजा और फ्लेम थ्रोअर ऑन बटरफ्री। मेरे को यार एक अच्छा खासा इलेक्ट्रिक पोकेमॉन चाहिए। अजेल्फ को हटा के एक अच्छा खासा इलेक्ट्रिक पोकेमॉन रखना ज्यादा सही रहेगा। जेड पावर, ओके तो स्वेलो के पास कौन सा जेड मूव होना चाहिए? सुपरसोनिक स्काई स्ट्राइक। ओके वन हिट, अ क्रिटिकल हिट, दैट्स नॉट प्रीटी कूल। ओके तो यहां पे हम यूज करते हैं स्मैकडाउन, और एजल्फ का यूज करते हैं फायर पंच, नहीं मतलब जेड मूव यूज करते हैं एजल्फ का।
ओके, तो उसके पास ब्रेव बर्ड भी है जिससे हमें तो बहुत डैमेज होगा ही, उसे भी होगा। और स्मैकडाउन शायद वन हिट हो सकता है शायद। मैंने स्मैकडाउन बटरफ्री पे क्यों यूज़ किया? अच्छा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बटरफ्री थी, दैट्स नॉट गुड। ओके ग्रेनिंजा ग्रो टू लेवल 53 एंड गिव आई टू 38। ओके ये वन हेल्थ था तो अच्छी बात है। रलाबूम टू लेवल 54। इन्वेडर सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि रलाबूम के पास अभी अच्छा मूव सेट है। और अब देखते हैं कौन सा, पिकाचू और चारिज़ार्ड। ओके तो लेट्स यूज वाटर पल्स ऑन चारिज़ार्ड एंड कन्फ्यूजन स्विफ्ट यूज़ करते हैं। ओके वन हिट नहीं था बट, और उसके पास बैरी भी है। ओके मेरे को लगा कि उससे काम बन जाएगा स्विफ्ट से, बट मेरे को अब नहीं लग रहा है कि स्विफ्ट से काम बनना चाहिए। ओके पिकाचू पे तो अच्छा खासा डैमेज था स्विफ्ट का। ओह थंडर पंच, ओके 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 हमें कोई दिक्कत नहीं है। और पिकाचू ने यहाँ पे एजल्फ को भी पैरालाइज कर दिया। ग्रेनिंजा का अम्बू लग रहा है, चारिज़ार्ड यहाँ पे ख़त्म। और एजल्फ ड्यू टू लेवल 50। ओके ये एक अच्छा मूव है। लेट्स सी कौन सा हमें हटाना चाहिए। स्विफ्ट हटाना चाहिए, नहीं अप्रोर हटाना चाहिए क्योंकि स्विफ्ट कभी भी लग सकता है। स्विफ्ट की एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट है। लोकारियो टू 49। ओके एग्रॉन, ओके तो एग्रॉन पर भी वाटर पल्स और स्विफ्ट यूज करते हैं। बोल्ट टैकल, और यहाँ पे ग्रेनिंजा का काम भी ख़त्म और पिकाचू का भी। ओके तो ये डबल हिट ही है। आयरन टेल ये हम पे सुपर इफेक्टिव हो सकता है और है भी। लेट्स सी लुकारियो और रेलाबूम। उसका देखें आखिरी पोकेमोन स्नोलेक्स। ओके तो लेट्स यूज ऑरा स्पेयर, दोनों पे इफेक्टिव है तो पहले स्नोलेक्स को निकालने की कोशिश करते हैं। आयरन टेल फिर से, अगर वन हिट हो जाता तो हमारा काम तो यहीं पे ख़त्म हो जाता। ओके स्नोलेक्स के पास हैमर आर्म है जो हम पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, बट ये तो हैमर आर्म एक फाइटिंग टाइप मूव है। अच्छा अच्छा हमारा स्टील टाइप भी तो है। ओके तो यहाँ पे हम ख़त्म हो चुके हैं लगभग लगभग। हमारे पास अब कुछ भी नहीं है सिर्फ सुपर पोर्शंस के अलावा। सैंटूम, ड्रैगन क्लॉ और रेजर लीफ। एग्रॉन पे तो कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा मेरा, मेरे को लग रहा है। ओके गेवाइट की लेवल अप हो गई है तो ये अच्छी बात है। ड्रैगन क्लॉज पे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। लेट्स यूज सैंड टूम और वुड हैमर।
Oh, finally, 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 we defeated Dutchy. Okay, we defeated Richie. I think you deserve this victory. I lost a lot of energy this battle. I'm going to rest for a while. You will find me at the Pokemon Center. But wait, I have something for you. Rocky Helmet. We will win next time, right, Sparky? See you later, Manoj. Let's go, Sparky. Okay, that was pretty good battle. ओके तो फर्स्ट मैं हील करता हूँ, उसके बाद चलते हैं इस टाउन को एक्सप्लोर करने। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो है इस बंदे से बात करनी है मुझे। यहाँ पे ग्रेनिंजा की हमें एबिलिटी चेंज करनी है। आर यू श्योर? यस। एबिलिटी स्विच, अब कौन से में स्विच हुई है मेरे को ये नहीं पता है, बट लेट्स सी। समरी बैटल बॉन्ड में होनी चाहिए तो अच्छी बात है। टॉरेंट, ओके टॉरेंट ही हमें चाहिए थी। और एक मेरे पास एबिलिटी कैप है, इसको यूज़ करते हैं। यस, अब हमारे पास बैटल बॉन्ड वाला ग्रेनिंजा है तो ये एक अच्छी बात है। ये करके आप भी बैटल बॉन्ड से ग्रेनिंजा यूज कर सकते हो। ओके तो यहाँ चलते हैं। फाइव बीस्ट बॉल्स, ओके यस। लेट्स सी यहाँ पे हमें कौन सा पोकेमोन। ओ सेव करो यार पहले तो। ये सेव होने में मेरा बहुत टाइम लगाता है। यस तो चलिए इस पोकेमोन को पकड़ते हैं। ये एक अच्छा पोकेमोन है, पोइपोल, और वो शाइनी भी है। तो बस मैं इसे ख़त्म नहीं कर दूँ, बाकी तो सब सही है। ये ऑरा स्पीयर सुपर इफेक्टिव नहीं है इसलिए मैं ऑरा स्पीयर यूज़ कर रहा हूँ। डैमेज तो फिर भी अच्छा खासा दे रहा है ऑरा स्पीयर। चार्म, ओके ओके, एक पोस्ट पाम देते हैं, इससे ख़त्म नहीं होना चाहिए। ओके एक और लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो अब हम इसे पकड़ सकते हैं कोई पॉल को। ये एक अच्छा टीममेट बन सकता है हमारी टीम के लिए। ओके बैग एंड लेट्स यूज, जो अभी हमें बीस्ट बॉल्स मिले हैं। ओके फाइनली वी कॉट पोई पोलो, पोई पॉल। दिस अल्ट्रा बीस्ट इज वेल एनफ लाइक टू बी चूजन एज अ फर्स्ट पार्टनर इन इट्स ओन वर्ल्ड। नो थैंक यू। तो चलिए गाइस आज का वीडियो बस यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने क्या किया वो रिमाइंड कर लेते हैं। पहले तो हम लेवेंडर सिटी गए, लेवेंडर सिटी में गोस्ट टाउन को थोड़ा गोस्ट टावर को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया एंड उसके बाद हम सीधा आए यहाँ सेलेडॉन सिटी में। सेलेडॉन सिटी आते आते पहले तो जो गोस्ट टावर था उसमें ग्रीन से बैटल किया, और सेलेडॉन सिटी आके हमने बैटल किया था रिची से, और लास्ट थिंग हमको मिला एक पोईपोल। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। और मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए।